एक जनो आगे मोटरसाइकिल लेने बो दो जना मां उतरिया बना एकदम हाको कर दी तो वो मां ने चोट फटकी दौड़ इन जैन फटकी मोटरसाइकिल माते पे कटे वो बेते कोई नहीं भी नहीं गया बिल्ली नहीं गया नाम गए होनारो प्रकाश ने दिनेश तर प्रकाश दौड़ी गाड़ी वालों नहीं रे नहीं है ये तो मामले रबड़े गरगस्ते वालों मारे एक सौ रो नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। सायरा वे गोगुंदा क्षेत्र में चोरों का आतंक, आए दिन हो रही है चोरी की वारदातें। पदराड़ा में बाइक पर आए तीन चोरों ने पांच जगहों पर तोड़े ताले। गोगुंदा थाना क्षेत्र के नयागुड़ा में भैंसे चुराने आए चोर, जाग हुई तो एक को छोड़ भाग गए दो चोर। पीछे छूटे चोर को रस्सियों से बांधकर ग्रामीणों ने की धुनाई। इन दिनों उदयपुर जिले के गोगुंदा वे सायरा थाना क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचा रखा है। बुधवार रात को सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा गांव में आए तीन चोरों ने दो मकान, एक मंदिर व दो दुकानों के ताले तोड़े। हालांकि उनके हाथ ज्यादा माल नहीं लग पाया। ताले तोड़ते हुए तीन चोर एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने सबसे पहले पदराड़ा पोस्ट ऑफिस के समीप स्थित रतन मेवाड़ा के कुछ समय पहले नए बने मकान को निशाना बनाया। उन्होंने लोहे के सरियों से मकान के दरवाजे पर लगा ताला तोड़ दिया। रतन मेवाड़ा ने बताया कि चोरों ने मकान में रखा सूटकेस तोड़ दिया, लेकिन उसमें कोई कीमती सामान नहीं था। वे मकान में पूजा स्थल पर रखे रुपए चुरा के ले गए। उसके बाद पास में एक सब्जी व नाश्ता बेचने वाले की दुकान के ताले को तोड़ दिया, लेकिन शटर के अंदर का लॉक नहीं तोड़ पाए। यहां दो जगह पर ताले तोड़ने के बाद गांव के जैन मंदिर में पहुंचे और वहां भी ताले तोड़े। बाद में वे बाइक से चित्रावास रोड की ओर चले गए। ताले तोड़ते हुए तीनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो चोरों के चेहरे जो है कपड़े से ढके हुए हैं, वहीं बदन पर बेड सीटें ओढ़ रखी है, वहीं एक का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसके पीठ पर बैग लटक रहा है। हालांकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें, गत सप्ताह पदराड़ा की आकरिया बस्ती में आए अज्ञात चोर रामलाल घायरी के कच्चे मकान की जो है दीवार तोड़कर घर में बंदी आठ भैंसों को चुरा के ले गए थे। वारदात की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने अलग अलग दल बनाकर पास के जंगल में पहरे बिठा दिए, जिनसे डर कर चोर भैंसों को जंगल में छोड़कर चले गए। वहीं ग्रामीणों ने भैंसों को जंगल से लाकर रामलाल घायरी को लौटाई। बुधवार रात को दूसरी वारदात गोगुंदा थाना क्षेत्र की मदारडा ग्राम पंचायत के नया गुड़ा गांव में हुई, जहां बाइक पर आए तीन चोरों ने हाईवे के समीप स्थित लाल सिंह पुत्र नवल सिंह के बाड़े में बंदी भैंसों को खूंटे से खोल कर ले जाना चाहा। तभी जाग हो जाने से दो चोर बाइक से भाग गए, वहीं एक चोर का पीछा कर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से उसके दोनों हाथ बांध कर पूछताछ की। उसने ग्रामीणों को बताया कि वो दो लड़कों के बहकावे में आकर पहली बार चोरी करने साथ आ गया। ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें उसने बताया कि वो गोगुंदा टोल प्लाजा के पास स्थित एक होटल में काम करता था, जहां दो लड़के खाना खाने आते थे, उन्हीं के बहकावे में आकर वो चोरी करने आ गया। हालांकि उसने भाग चुके दो चोरों के नाम नहीं बताए। बाद में ग्रामीणों ने उसे गोगुंदा पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उसने अपने आप को नवानिया निवासी जगदीश नगारची बताया है। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार रात को चोरों ने समीपवर्ती भादवी गुड़ा गांव में भी तीन घरों के ताले तोड़े थे। वहीं 19 जुलाई को भी गांव में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें पप्पू सिंह पुत्र अमर सिंह के घर के ताले तोड़कर अंदर घुसे अज्ञात चोर संदूक चुरा के ले गए। दूसरे दिन सुबह घर से थोड़ी दूरी पर टूटा हुआ संदूक मिला, जिसमें से सोने चांदी के आभूषण गायब थे। लगातार हो रही चोरी की वारदातों के कारण ग्रामीण दहशत में है, वहीं पुलिस को कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रही है।